सितंबर माह के शुरुआती दिनों में हुई अतिवृष्टि के कारण तबाही के मंजर को सभी ने देखा। तहसील के दर्जनों गांवों में जलभराव की स्थिति निर्माण होने से आज भी इस संकट से ग्रामीण उभर नहीं पाए हैं। लोगों को संकटों से मुक्त कराने विभिन्न संगठनों व प्रशासन ने जिम्मा उठाकर जीवनावश्यक सामग्रियों का वितरण शुरू कर दिया है, लेकिन अब यही बाढ़ग्रस्त गाँव बिजली समस्या से हलाकान हो रहे हैं। बिजली की आखमी चोली से आदिवासी ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बिजली वितरण कंपनी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने से असंतोष बढ़ने लगा है। नुकसानग्रस्त क्षेत्र का सर्वेक्षण कर पंचनामा करने का कार्य जारी है, लेकिन इस कार्य में भी बिजली समस्या रुकावट निर्माण करने लगी है। लगातार हुई बारिश के कारण कई स्थानों के बिजली खम्भे जर्जर हो गए हैं, वहीं बिजली के अधिकांश तार भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके चलते क्षेत्र के गाँव में अंधेरा छाया हुआ है। तहसील के अधिकांश बाढ़ग्रस्त गाँव तक पहुँचने के लिए पक्की सड़क उपलब्ध नहीं होने से प्रशासन के कर्मचारी दोपहर 12 बजे तक संबंधित गांव में पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्वेक्षण का कार्य केवल 3 बजे तक निपटाकर कर्मचारी वापस भामरागढ़ लौट रहे हैं। बिजली की समस्या होने के कारण सर्वेक्षण का कार्य देर शाम तक नहीं हो रहा है, जिससे सर्वेक्षण के कार्य भी असर होने लगा है। दूसरी ओर लगातार कई दिनों से अंधेरे में जीवन यापन कर रहे लोगों में रोष भी देखा जा रहा है।